आपको। चलिए देखते हैं थोड़ा अंदर का नजारा। खाली गेटवा चमकाने से होता है सांसद महोदय जी? वो तो पता है इलेक्ट्रिक में जल के जाते हैं या लकड़ी में जल के जाते हैं। हमको भी एक दिन जाना है, आपको भी एक दिन जाना है। जाना है कि नहीं? वही जगह पे हैं हम। कहाँ जाता है? शमशान घाट। और वही शमशान घाट के समीप हम लोग मिला उन लोग से कुछ मदद। सही बताइएगा, यहाँ पे दिल में हाथ रख के बोलिए ना। जी नहीं। हाँ जी नहीं। थोड़ा बंद कर दीजिए ना अंकल जी। हाँ। कभी मिला आप लोगों को नेता के मदद से कुछ मदद? ना कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। देख लीजिए, और बगल में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, भारत का दूसरा सबसे बड़ा। लेकिन गरीब का सेवा किया होगा आज तक कोई लोग? ना गरीब का तो कोई नहीं सेवा करता है। कोई नेता? कोई नेता नहीं किया। लेकिन देखिए यहाँ पे अपना नाम चमकाने के लिए कैसे करता है, गरीब का पैसा चूस के लूट के और बड़का बड़का प्रॉपर्टी बने ले हैं। हाँ बनाया है, है ना? आज भी बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जल रहा है आदमी, वहाँ भी सांसद महोदय जी अपना नाम को चमकाने के लिए लगे। यहाँ कोई सुनने वाला है? आप ही लोग सुनने वाला हो, देश चलाने वाला आप लोग हो। हम लोग नमस्कार, सफर सच में आप सभी साथियों का स्वागत है। अभी हम राजधानी रांची में मौजूद हैं और स्वर्ण रेखा नदी के समीप हैं। और यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बेहतरीन चीज दिखा। जानते हैं क्या, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? बट स्वर्ग नहीं, बुढ़बा कहीं का स्वर्ग जाता है, शमशान घाट। कहाँ जाता है? शमशान घाट। और वही शमशान घाट के समीप हम लोग हैं। मरने के बाद तो शमशान घाट में जाता है जी, उसके बाद जब अग्नि में जल जाता है तब स्वर्ग पहुँचता है ना? पंच तत्व में विलीन होने के बाद स्वर्ग जाता है, जाता है कि नहीं? है बुढ़बा लोग बोलता है कि मरने के बाद स्वर्ग चल गया, वो ऐसा नहीं। कहाँ जाता है पता है? देखिए मोक्ष द्वार, राजधानी रांची में मौजूद हैं। अब मोक्ष द्वार के समीप हैं, चूल्हा एवं शेड का निर्माण सांसद संजय सेठ जी ने ऊपर से देखिए अपना नाम को कैसे चमकाया है, लाल पीला हरा नीला ब्लू काला, देख रहे हैं? सांसद सेठ संजय सेठ लोग तो अच्छे तरीके से जानते होंगे संजय बाबू को, सांसद बाबू को। चलिए देखते हैं थोड़ा अंदर का नज़ारा। खाली गेटवा चमकाने से होता है सांसद महोदय जी? आज चलिए देखते हैं थोड़ा अंदर, आखिर क्या है माजरा यहाँ का। ये महोदय जी, सांसद महोदय जी, जिस तरह गेटवा आप चमकाए ना, उस तरह से थोड़ा ई रोडवा चमका देते तो ज़्यादा बढ़िया होता। और ये देख लीजिए, ये है हमारा मोक्ष द्वार जाने के बाद, यानी स्वर्ग पहुँचिएगा उसका रास्ता है ये। किसका रास्ता है? स्वर्ग पहुँचने का रास्ता। और वही स्वर्ग जहाँ पहुँचा जाता है, जहाँ जा करके शमशान घाट बोलते हैं, शमशान घाट बोलते हैं। कौन सा घाट? शमशान घाट। उसी घाट में हम मौजूद हैं और वहीं पर जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ से लोग कैसे स्वर्ग जाते हैं। अग्नि में जल के जाते हैं वो तो पता है, इलेक्ट्रिक में जल के जाते हैं या लकड़ी में जल के जाते हैं। हमको भी एक दिन जाना है, आपको भी एक दिन जाना है। जाना है कि नहीं? वही जगह पे हैं हम। चलिए सांसद महोदय को भी जाना है, और सांसद महोदय जाने से पहले किस तरह नाम को चमकाए हैं उसका हम आज सच्चाई दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग है हमारा। ये है स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ से सबसे पहले आपको दिखाएंगे। आप लोग को तो दिखिए जा रहा होगा कि नदिया का क्या हालत हुआ पड़ा है। नदी का बताने का जरूरत नहीं है, कचरा देख लीजिए। और बगल में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग। अब हो गया मोक्ष द्वार के आगे जाने का बात। रोडवा थोड़ा चमका देते सेठ जी, संजय सांसद संजय सेठ जी, तो जल ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ है एक शेड, इसमें तो कुछ नहीं किया जाता, इसमें बैठने का एक शेड बनाया है। जो लोग जलाने आते हैं उसको जलाने के साथ जो लोग होते हैं वो बैठते उठते हैं। और दूसरा है, देखते हैं, ये है आपका जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, पहला मोक्ष द्वार। ये है पहला मोक्ष द्वार। यहाँ का स्थिति देख सकते हैं कैसा है। यहाँ मतलब ये लकड़ी से जला जाता है, इसका मतलब ये है कि लकड़ी से जल रहा है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक का नहीं है, बिजली वाला नहीं, इलेक्ट्रिक वाला नहीं, लकड़ी वाला है। और इसके इधर का हालत देखिए क्या है, खाली गेटवा चमकाने से होगा सांसद महोदय जी। ये दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ भी सांसद महोदय का नाम को बहुत सुंदर तरीके से चमकाया गया है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जल रहा है आदमी, वहाँ भी सांसद महोदय जी अपना नाम को चमकाने के लिए लगे हैं। हाँ पगला कहीं का, यहाँ चमकाने से क्या होगा, जनता के बीच चमकाइए ना, उसके सुधारिए ना उसको। फिर भी देखिए माननीय सांसद रांची श्री संजय सेठ जी के मदद से चूल्हा एवं शेड निर्माण का कार्य। ये चूल्हा है, ठीक है, यहाँ भी
लकड़ी से ही लोग जलते हैं, लकड़ी से, और शायद फैन अंदर में है, वो चीज़ अंदर नहीं, शायद अभी भी किन्हीं का हुआ है अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, पंचतत्व में विलीन हुआ है, देख सकते हैं यहाँ धुआं ही है। और इस जगह का हम आपको स्थिति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर ऐसे जगह में अपना जो सांसद है वो 100% भी नहीं देते हैं, तो पब्लिक के बीच में कहाँ से देंगे? जहाँ देना चाहिए इंसान को, पब्लिक को दीजिएगा, गरीब लोगों को सेवा करिएगा तो स्वर्ग में जाइएगा, समझे ना। और ऐसे जगह पे सेवा करिएगा तो मरने के बाद तो सब ऊपरे जाता है, स्वर्ग जाता है, जाता है कि नहीं? अरे हमारा जनता ही पब्लिक बताएगा जाता है कि नहीं। अब मोक्ष द्वार में थे हम, अब मोक्ष द्वार में आकर के हमको तो बड़ा खराब लग रहा है, आप लोग को कैसा लगा मोक्ष द्वार का ये हालत देख करके? एगो चचा हैं जो कि मोक्ष द्वार में आए हैं, चचा आप तो मोक्ष द्वार में आ गए। जी हाँ। कैसा लगा आपको आकर के? अच्छा लगा। लेकिन गरीब का सेवा किया होगा आज तक कोई लोग? ना, गरीब का तो कोई नहीं सेवा करता है। कोई नेता नहीं किया। लेकिन देखिए यहाँ पे अपना नाम चमकाने के लिए कैसे करता है, मोक्ष द्वार के आगे सांसद संजय सेठ, कैसा लिखा है? संजय सेठ। अच्छा, आप लोग को कभी मिला उन लोग से कुछ मदद? सही बताइएगा, यहाँ पे दिल में हाथ रख के बोलिए ना। जी नहीं। जी नहीं। थोड़ा बंद कर दीजिए ना अंकल जी। कभी मिला आप लोग को नेता के मदद से कुछ मदद? ना, कुछ नहीं मिला। लेकिन जानते हैं, गरीब का पैसा चूस के लूट के और बड़का बड़का प्रॉपर्टी बने ले हैं तो बने। हाँ, बनाया है, है ना? आज भी बनाया है। हाँ, तो आप लोग बोलते का है नहीं? चाचा तो बात क्या करेंगे आप बोलकर भी, यहाँ कोई सुनने वाला है? आप ही लोग सुनने वाला हो, देश चलाने वाला आप लोग हो। हम लोग तो है ही है, हम लोग तो दिखाने का काम कर रहे हैं चाचा, लेकिन आप बोल रहे हैं बहुत सुंदर बनाया है। ना, सुंदर क्या बनाया है, पहले से जब रीमॉडलिंग किए हैं तो आधुनिक जमाना है, लकड़ी चुकड़ी बहुत समाप्त होने के कगार पर है, तो इलेक्ट्रिक वाला काहे ने लगाए? ये तो कमी है उनकी। कमी है ना? बिल्कुल, बहुत भारी कमी है, खाली कमी नहीं, भारी कमी है। कमी है ना? बिल्कुल। और यहाँ पे गंदगी नहीं दिखता है बाबा आपको? गंदगी तो है ही। तो संजय सेठ खाली नावे को चमकाइएगा, बोर्डवे को, नदिया को नहीं चमकाइएगा? बिल्कुल, नदी को चमकाना जरूरी है। जरूरी है ना? जी हाँ। अच्छा, नदिया वाला पनिया से कहियो मुँह धो पाते हैं अंकल? जी नहीं। ये चापाकल से तो धोना मुश्किल पड़ता है, चापाकल से मुश्किल पड़ता है, नदी के पानी से नहीं धो पाते होंगे? एकदम दिल पे रख के हाथ बोल रहे हैं कि हम बोलवा रहे हैं आपसे? ना, दिल पर हाथ रख कर बोल रहे हैं, नदी में तो कोई घुस पैर देना मुश्किल पड़ता है। लेकिन इसको नहीं चमकाइएगा संजय सेठ, आप सांसद महोदय जी थोड़ा रहम करिए झारखंड के लोगों के ऊपर, खाली अपना नामा के ऊपर रहम करिएगा तो होगा काम? वैसे काम चलेगा तब? नहीं चलेगा, खाली अपने नाम के ऊपर रहम करना। हम जैसे लोगों के ऊपर करते हैं, आप गरीब को जाकर के सेवा करिए, तब आप शायद मोक्ष द्वार में आप जा सकते हैं, जन्नत जिसको बोलते हैं, जिसको बोलता है स्वर्ग लोग, तभी जा सकते हैं आप। ये गेट चमकाने से नहीं होगा। कोई नेता किसी गरीब को देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई नेता नहीं? जी नहीं। लेकिन अपना नाम चमकाने के लिए तैयार है। ये हमारा दादाजी हैं, बाबा हैं, और ये जो बोलते हैं ना सच बोलते हैं, एकदम 100% 100% सच है। लेकिन नाम को चमकाया गया, फिर भी मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आखिर मोक्ष द्वार में आकर के आप लोगों को कैसा लगा? हमें तो बिल्कुल खराब लगा, मॉडर्न टाइम में अभी यहाँ की कमी जो है उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो जलने का प्रक्रिया होता है, जलाने का प्रक्रिया होता है, वो होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस नदी में जितनी गंदगी है, यहाँ पे कोई मुंह तक नहीं धो सकता है, पैर जाता है तो शायद इन्फेक्शन हो जाएगा, इतना कचरा है इस नदी में, इसको साफ कराइए। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ से आने की जो रास्ता है उसको सुधरवाइए, केवल बोर्ड चमकाने से काम नहीं चलेगा। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करें, और यहाँ के बारे में बताएं कि मोक्ष द्वार में आकर के आपको कैसा लगा। ये है मोक्ष द्वार। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।